शबरी। अरे वाह, कितना सुंदर नाम है। तुम देखना, ये बड़ी होकर अवश्य ही मेरा नाम रोशन करेगी। इसमें भला क्या संदेह है, शबरी हम सब की प्यारी और दुलारी है। बेटी शबरी, क्या बात है, आज आप अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। प्रसन्नता की तो बात ही है बेटी, मैं समझी नहीं। अरे बेटी, बेटी अब तो सयानी हो गई है और जब बेटी बड़ी हो जाए तो उसका विवाह कर दिया जाता है। बस इसी परंपरा को निभाते हुए हमने भी तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढ लिया है बेटी। अब एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। बेटी शबरी, तुम किस सोच में डूब गई हो, क्या बात है बेटी शबरी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गावन गावन लगे पठान, शबरी के मन खुशियां छाई। सखियों के संग बैठी आन, शबरी के मन खुशियां छाई। आ मेरी बेटी, मेरे पास आ। कुछ दिनों में ब्याह कर तू चली जाएगी, तुझे मन भर के देख तो लूं। माँ, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। धत पगली, बेटी तो पराया धन होती है। देख तेरे पिता ने ब्याह की कैसी तैयारी कर रखी है। तैयारी? मगर इन्हें क्यों लाया गया है? अरे, इनके भोजन से ही तो अतिथियों की आवभगत की जाएगी। क्या, इनके भोजन से मेरे विवाह की शुभ घड़ी में ऐसे निरीह पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी? ये तो पाप है। अब देखना सोचना बंद कर, तेरे पिता की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वो अब अपने विचारों को नहीं बदलेंगे। तो फिर मुझे ही अपने विचार बदलने पड़ेंगे। क्यों विवाह करूंगी और न ही इन मासूम पशुओं की बलि चढ़ेगी। घुट घुट जावे दम भीतर से, जानत भय क्यों बनु अनजान, मेरी शादी के कारण क्यों इन भेड़ों की जावे जान। अर्ध रात्रि को भग जाऊं, बच जावे मिढ़वन के प्राण, हेत कुटम के जब सब सो गए, सबरी ने किया प्यान, निकल पड़ी भक्ति।
अरे शबरी एकाएक बताए बिना कैसे चली गई? पता नहीं, कल तो वो अत्यधिक प्रसन्न दिखाई पड़ रही थी। अरे फिर ऐसा क्या हो गया? यदि उसके मन में कोई दुविधा थी तो वो मुझे बता सकती थी। ऐसा करो, उसकी तलाश कर मेरे समक्ष लाओ। उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। बस बस एक बार उसे ले आओ, जाओ ढूंढो उसे। सरदार, हमने चारों ओर ढूंढा, हर एक से पूछताछ की, परंतु शबरी का कोई पता नहीं चला। प्रिय शिष्यों, सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी ने अनेक प्राणियों की रचना की। कोई मनुष्य बना तो कोई पशु। ये सब स्वरूप हम अपने अपने कर्मों के कारण ही पाते हैं, इसलिए सभी प्राणियों पर दया भाव रखकर उनके साथ उत्तम व्यवहार हम सबको करना चाहिए। सूख रहे जंगल में प्राण पड़े ढोड़ा हुआ है बिटिया के, कहां गई सबरी गुड़ खाने, अता पता कुछ मिला नहीं है। गवान बैठी हो बे जान, भयानक जंगल रहा वहां पर, तप करते मुनिवर विद्वान, ऋषि मतंग की सुंदर कुटिया, ज्ञानी ते करो पहचान। इतनी स्वच्छता? अरे सचमुच सचमुच ये स्थान तो बिल्कुल नया सा लग रहा है, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी अनुपस्थिति में कोई इस स्थान पर आया हो? हो सकता है, हो सकता है मुनिवर। कोई ना देखे कुटी दरम्यान, मुनिवर बोले है शिष्य से, चेला सुनो लगा कर ध्यान, मुझको तो कुछ गड़बड़ लग रहा, अब एक काम देर का ना, छुप कर देखो उठ भुन सारे, झाड़ू आकर कौन लगाए, पकड़ के उसको शिष्यों सुन लो, पास हमारे लाओ लिवाई, यह मन मान गई चलो के, छुप गए हैं वृक्षों में आए, रात गई जब भाव भुन सारो, यही चुप कर हम देखते हैं। जैसे ही वो यहाँ सफाई करने आएगा हम उसे घेर लेंगे, आखिर इस तरह चोरी छुपे कोई साफ सफाई क्यों करेगा? यही तो हम ज्ञात करना चाहते हैं कि आखिरकार इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। अरे चुप करो, लगता है कोई आ रहा है। अरे ये तो कन्या है। हाँ भाई, ये तो कन्या निकली। चलो चलो चलकर पूछते हैं उससे। नहीं, हम उसे मुनिवर के पास ले जाएंगे। भाई मुनिवर स्वयं पूछताछ कर लेंगे। हे कन्या, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं तुम चलो हमारे साथ। मगर वगर नहीं, चलो मतंग रिसीवर के कुटिया में। इस तरह तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है? ये सब उनके समक्ष चलकर तुम्हें बताना पड़ेगा। चलो हमारे साथ, चलो। सबरी से कहा सुना, मतंग ऋषि ने तुम्हें बुलाया,
मुनिवर। दिया बतलाए भील के घर में मैं जन्मी हूँ, माता पिता भील के हिलाए प्यासे राम दरस के नैना, मन में और कछु ना आए तरक करी है कुछ संतों ने, सबरी भाई भाई बाबरी आए तरक करी है कुछ संतों ने। से पूर्व मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देना चाहूंगा कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तुम्हें बहुत जल्द श्री श्री नारायण के दर्शन लाभ प्राप्त हो। इस रूप पर मोहित हो चुकी हूँ। हे देवी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु आपके इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मेरे भ्राता लक्ष्मण से पूछ सकती हो। हे युवराज, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? कदापि नहीं। क्या, मेरे रूप का इतना बड़ा अपमान? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपने रूप पर इतना घमंड है तुम्हें? तो ये लो, मैं तुम्हें अभी कुरूप बना देता हूँ। कहती शादी ले कराए नाक कान काटे लक्ष्मण ने, नक्ती पूछी दही बनाए बदला लेने सुरपंखा का,
स्वामी वो देखिए कितना सुंदर मृग है। हाँ सीते। स्वामी मुझे वो मृग चाहिए, क्या आप मुझे वो मृग लाकर दे सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। लक्ष्मण मुझे लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं। तुम अभी जाकर उन्हें देखो। परंतु भ्राता श्री ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं आपको इस तरह छोड़कर कहीं ना जाऊं। ये मेरी आज्ञा है लक्ष्मण, क्या तुम मेरा मान नहीं रखोगे? ठीक है, आपकी आज्ञा का मान मैं अवश्य रखूंगा, परंतु आप मेरा एक आग्रह स्वीकार करें। मैं यहाँ सीमा रेखा खींच रहा हूँ, कृपया आप इन्हें पार नहीं करना। ठीक है, परंतु तुम अभी जाओ शीघ्र। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। महाराज ये लीजिए भिक्षा। देवी मैं उधर नहीं आ सकता हूं, अतः भिक्षा देने के लिए तुम्हें थोड़ा निकट आना पड़ेगा। ठीक है महाराज। कई वर्ष बीत गए, परंतु नारायण दर्शन की राह देखने वाली शबरी की आस अब भी बंधी है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब शबरी का सपना साकार हो गया। दशा न भरनी जाए, जंगल जंगल
हो गई जो आपके चरण इस कुटिया में आए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं प्रभु। मैं तोड़ता ही छाती।